गाइस अभी टीका लग गया है मेरे को। तो मम्मी ने पहन लिया एपिसोड। बहुत ठंडा पानी है। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। अब ऊपर की तरफ ठंडो पानी, ये कहाँ चले गए? ठंडो पानी, ठंडो पानी, छत में गए क्या? डाली डाली फूलों की। गाइस यहाँ पे सब्जियाँ कितनी हो रखी हैं यार, पर इतना हमारे गांव में नहीं है, जबकि इतने ऊपर रहते हैं इनकी सब्जियाँ। बाय गॉड, मम्मी ये सब्जियाँ बेचते हैं क्या? हैं अभी गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। सो गाइस अभी ये सारी सब्जियाँ देख रहे हो, ये सारी यहाँ से जाती है बागेश्वर। बताओ मेरे खोल रखा है उन्होंने, बट थोड़ा सा मुश्किल है कि मेहनत मेहनत के बिना है कुछ नहीं है, मेहनत करना पड़ती है। सॉरी करना पड़ती नहीं, करना पड़ता है। मैं थक गया हूँ और जबान भी लड़खड़ा रही है। यहाँ पे हम जो सरसों का तेल हम जो लगाते हैं यूज भी करते हैं सब्जियों में। यहाँ पे काफी ज्यादा सरसों भी हो रखे हैं, ये देखो सरसों। वाओ। तो अभी ये गांव छोड़ के हम ऊपर जा रहे हैं। ये है भंडार जो गांव का नाम है। अभी यहाँ से ऊपर जाना है। और धूप भी खिली हुई है, शाम को तो यहाँ मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा क्योंकि यहाँ सूर्य जल्दी नीचे जाता है। अभी सूर्य हमारे ऊपर है, जल्दी से ये पहाड़ के पीछे जाएगा तो यहाँ ऑलमोस्ट 4 बजे तक यहाँ शाम होने जाएगी। तो वैसे ये रास्ते कहते हैं हर कोई मंजिल प्राप्त नहीं कर पाता, बट जो कर पाता है वो सीधा उत्तराखंड पहुंच जाता है। और उत्तराखंड के वो मंदिर जहाँ पे लोग हमें सोचते जाने का और एज हो जाती है लेकिन जा नहीं पाते। तो बस ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे, हम भी काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ अभी यहाँ पे, फिर आगे चलेंगे। अभी आप भी चेक करो, हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। अभी काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस, आप देख रहे हो कितनी दूर से हम उस गांव से अभी होते हुए आए हैं। मैं यहाँ पहुँच गए 5 मिनट में, लगता है दूर है बट इतना दूर है। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आप यहाँ से देख लो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी सूर्य हमारे जस्ट ऊपर है यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे आते ही शाम हो जाएगी। आप धीरे धीरे देख रहे हो वहाँ छाया हो चुकी है, तो अभी छाया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम चल रहे हैं। नीचे भी गांव है, आप गांव देखे होंगे, यहाँ भी गांव है। और वहाँ से रोड होते हुए जा रही है, आप देखो रोड हो रही है, हो रही। तो हम ऐसे ऐसे करके 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 अभी हम आए हैं यहाँ पे रोडी रोड। तो ये रोड अब जब सभी आई आप देख रहे होंगे, नहीं खुदी भी रोड है, तो रोड काफ़ी थोड़ी ख़राब है, तो छोटी गाड़ियाँ थोड़ी नीचे से लग जाएंगी, बट थोड़ी बड़ी गाड़ी यहाँ से आ सकती है आराम से। तो जो लोग नहीं आए हैं वो इन जगहों पर आए और यहाँ का आनंद लें और उत्तराखंड आए। हिमाचल थोड़ा सा भर गया है तो उत्तराखंड एक शांति, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो मैंने भी कई लोगों को देखा है यहाँ पे फॉरनर्स भी आ रखे थे इस जगह पे, जो ट्रैकिंग करके आ रहे हैं। हम तो बाइक कार आ रहे हैं, वो ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, वहाँ से वो बस लेंगे फिर जाएंगे। तो यहाँ से लोग पैदल होते जाते हैं, तो कितनी बड़ी बात है, थक जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे ऊपर की तरफ और ऊपर जाके हम मिलेंगे आपको सीधा कथा होगी। तो यहाँ के पेड़ भी काफी, ये देखो गाइस
आड़ू जो लोग खाते हैं, ये आड़ू का पेड़ है, ठीक है। ये मैंने आड़ू के पेड़ आपको दिखा रहा हूँ, हमारे वहाँ भी लगे हुए हैं बट वो काफ़ी नीचे लगे हुए हैं, तो नीचे दिखा देता हूँ। यह आड़ू के पेड़, तो अभी आड़ू इस समय नहीं होते, तो अभी जब आड़ू होंगे तो आपके यहाँ आड़ू इतने बड़े बड़े आड़ू होते हैं, इतने बड़े बड़े। तो यहाँ फल फ्रूट्स की कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ हाँ थोड़ी मेहनत होती है, बिना मेहनत के कुछ काम नहीं होता, ये तो हमेशा कहा गया है। चलते हैं अपने रास्ते की ओर, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी सारे के सारे ये फल फ्रूट के पेड़ हैं, जितने भी पेड़ थे। और पता है यहाँ से सारा सामान जाता है बागेश्वर, तो ये इतनी चढ़ाई है भाई मेरी तरह ऊपर, और पापा में चले गए आगे, मैं थोड़ा सा रुक गया हूँ, अभी सीढ़ियाँ बहुत है यहाँ। कहते हैं पापा कह रहे भालू होता है, हम तो भालू जैसे लग रहे सारे खाना खा खा के मुटे आ गए हैं यहाँ पे सारे के सारे। चलो स्वागत था कि मिलते हैं आपको हम सीधा आगे, आगे का रास्ता, आगे का नज़ारा, मिलते हैं सुंदर से उत्तराखंड में। अरे बाप रे, अभी हम थोड़ा और ऊपर आ गए, तो बहुत सीढ़ी है, यहाँ पे छाया हुई है अभी, यहाँ चलते हैं। अरे पहाड़ी वाला बहुत धन है भाई, पापा तो पूरा बैग लेके चल रहे हैं, मैं ये वाला बैग साइड में हल खराब हो गया। अब हम आ गए हैं छाया की ओर, अभी आवाज भी आ रही है, पहुंच गए पहाड़ी, पहुंच गए ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। सुबह हम आ चुके हैं अभी यहाँ पे, और हमारा एक साथी मिल गया, सो मंदिर आ गए हम। यह मंदिर बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे, काफी सुंदर है बीच में डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए, काफी सुंदर लग रहा है ऊपर, मेरे यहाँ बर्फ पड़ती है। पहन लिया पिछोड़,
बैग रहन तो पैक के बैग रहन देना अभी अंदर हो रही है पूजा कथा होने के बाद खाना पीना बन रहा है देखो तो अभी खाना पीना होगा काफी सुंदर है यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है तो चक्कर में यहाँ पे टीन लगा रखी है जगह ताकि पानी आ जाए ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं यहाँ पे खाने पीने का भोजन पूरा सब कुछ यहाँ पे होता है जब यहाँ पूजा होती है कथा होती है तो काफ़ी लोग आते हैं इस जगह पे और यहाँ पे बैठ के खाना पीना करते हैं तो काफ़ी सुंदर है ओपन एकदम ऐसी जगह कहाँ मिलेगी गाइस हाय छोटी सब टीका लग गया मेरे को और काफी अच्छा लग रहा है मन को शांति मिल रही है मंदिर में आके यहाँ मैं फर्स्ट टाइम है आने का यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो इस टाइम भी बर्फ नहीं पड़ी है बट अब जाने का टाइम में बर्फ पड़ जाएगी मे बी नेक्स्ट मंथ कहते हैं कि नवंबर में यहाँ पड़ने वाली थी बर्फ पड़ रही ठंड हो गया आने का टाइम पड़ सकती है बर्फ कुछ पता नहीं कब कल परसों में से ये था पहले टाइम के ऐसे गोल चकोर ऐसे बनती थी सीढ़ियाँ भालू डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे इसके आगे हमारे ब्लॉग पे हमारे वीडियो पे क्या हो रहा है तो मिलते हैं आपको तब तक के लिए बाय बाय
और जय देव उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे।